नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसके फॉर्म आ गए हैं और उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। एडमिशन नोटिस जारी हो चुकी है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज की। तो इनके सबकी जितने लोग इसमें अप्लीकेबल होते हैं वो सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इसके लास्ट डेट है 6 अप्रैल। तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले होगा, फिर स्टेटस होगा, 3-4 स्टेप्स में ये फॉर्म है। तो आइए देखते हैं और हम सभी प्रकार के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए हम आ गए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर एग्जामिनेशन सेक्शन पर, और यहाँ आपको दिखेगा नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा एकेडमिक कोर्सेस। इस पर जब आप टिक करेंगे तो टिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए 3 तरीके के इंटरफेस नर्सिंग के दिखते हैं इस जगह पर, कि बीएससी ऑनर्स, बीएससी पोस्ट बेसिक, बीएससी पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग का। तो इसी पर जब आप टिक करेंगे किसी एक पर जिस पे आपको करना है, यानी हमने बीएससी ऑनर्स पर किया, तो आप देखिए नया इंटरफेस आपको तुरंत यहाँ पर दिखाई देता है, नोटिफिकेशन का एडमिशन नोटिस एम्स बीएससी नर्स ऑनर्स नर्सिंग और नर्सिंग पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज। आप इसी पर पर्टिकुलर पर टिक कर सकते हैं और ये डाउनलोड से हम अगर इसी पर टिक करें तो ये हमको डाउनलोडिंग का ऑप्शन दे देता है। यहीं पर आप देख सकते हैं जहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपको दे दिया है, आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपके जो है मोबाइल पर ही ये डाउनलोड हो जाएगा, आप पूरी एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अब यहाँ से अगर हम प्रोसीड कर देते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम उसके बाद नोटिफिकेशन को भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से भी आप डाउनलोड, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है और आप यहाँ पर सीधा सी चीज़ों को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कोर्स यूजी के लिए। तो यहाँ पर जब आप टिक करेंगे तो आप आगे इंटरफेस पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होते हैं। देखिए अब नीचे की तरफ अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ आपको यही इंटरफेस मिलता है और इसके आगे आप यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू न्यू बेसिक पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से रजिस्ट्रेशन के पास आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे प्रोसीड करने के लिए बताएगा, यहाँ सारी डिटेल्स दी गई है, मार्कशीट्स और बाकी चीज़ों का ब्यौरा, आप इसे यहाँ पर प्रोसीड करिए। फिर देखें फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर द स्पेसिफिक अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेस पोस्ट बेसिक, और फिर यहाँ से आप प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सारे चीज़ें जो नॉर्मली आप सभी फॉर्म में भरते हैं वही चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। फिर आप जनरेट कर लीजिए आईडी और पासवर्ड, फिर उसके बाद लॉगिन करके आप आगे की भी प्रोसेस कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप कैसे फॉर्म भरेंगे इसके हम पूरा लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे, और ये 2 स्टेप में है, आप बेसिक डिटेल भरेंगे फिर उसके बाद आप यहाँ पर आप ये 3 स्टेप में है, आप देख पाएँ बेसिक डिटेल्स, अपलोड इमेजेस और प्रिंट कर लेना है, तो इस तरीके से आप इसको भर पाएंगे। अब आइए इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें डिटेल्स दी गई हैं। देखिए ये एडवर्टाइजमेंट जो था नोटिफिकेशन का, ये डाउनलोड हो गया है एडमिशन नोटिस 26/2021। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरी डिटेल यहाँ पर इसी में मेंशन की गई जहाँ से हमने डाउनलोड करने के लिए आपको बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हु कैन अप्लाई फॉर द बेसिक रजिस्ट्रेशन एलिजिबल फॉर द बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2021 कोर्स के लिए। तो उसके पास 10+2 होना चाहिए और ये सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, और उसके पास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हैज़ बी मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जो है आपके पास होने चाहिए 55% जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 50% अदर कास्ट के लिए होना चाहिए, यानी पीसीबी प्लस इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर सेशन पे इन्होंने बता दिया है आपको पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इसी तरह पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो अप्लाई करेगा उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और आइदर बायोलॉजी, यानी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अगर आपको करना है
तो यहाँ पर आप बायोलॉजी या मैथ्स में से कोई भी एक ग्रुप साथ में हो तो कर सकते हैं, लेकिन ऑनर्स बीएससी नर्सिंग के लिए जो है उसमें बायो ग्रुप ही कर पाएगा। फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी है 10+2 के ड्यूरेशन आपने, और नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए आपका फॉर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए यहाँ डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा कराया गया हो। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर आप जब बात करेंगे तो देखिए जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है वो ये है, 12 तारीख से शुरू हो गया था और ये 6 अप्रैल तक ये चलेगा। फिर इसके बाद आप पाएंगे कि स्टेटस अपडेट हो जाएगा इसका, तो वो 9/4 को अपडेट हो जाएगा। फिर करेक्शन अगर आप कोई त्रुटि करते हैं इसमें तो बेसिक रजिस्ट्रेशन नॉट एक्सेप्टेड, यानी करेक्शन ऑफ डिफरेंसेस इन बेसिक रजिस्ट्रेशन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड, और वो इसके लिए है, इतना टाइम मिलेगा आपको। फाइनल स्टेटस आपका जो एक्सेप्ट हो जाएगा वो 20 तारीख को अपडेट हो जाएगा। फिर अपलोडिंग प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस अपलोड किया जाएगा वो आपका 26 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा। जनरेट द कोड रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो वो अगला 27 से 13 मई तक चलेगा। फिर उसके बाद पेमेंट फीस एंड सिटी चॉइस, यानी जो आपका जो जनरेट करेगा कोड फॉर द फाइनल रजिस्ट्रेशन जो करेंगे आप, वो चलेगा 27 से 13 मई तक, 27 अप्रैल से 13 मई चलेगा। फिर फाइनल स्टेटस जब आपको रिजेक्टेड या एप्लीकेशन कितनी रिजेक्टेड हुई कितनी वो हुई उनके बारे में आपको 19 मई को पता चलेगा, और जो फाइनल रिजेक्शन है वो 20 मई को पता चल जाएगा। फिर लास्ट डेट फॉर सबमिशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो 25/5/2021 तक चलेंगे। फिर इसके बाद आप एग्जामिनेशन सेक्शंस और बाकी चीज़ों पर, फिर एडमिट कार्ड अपलोडिंग होंगे इसमें क्योंकि एग्ज़ाम होता है तो वो उसकी अभी टेंटेटिव है, लगभग 2 जून के आसपास होगा। फिर एग्ज़ाम टाइमिंग दी गई है आप यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं, जो एग्ज़ामिनेशन दी गई हैं वो यहाँ पर 14 और 27 जून दिया गया है। तो यहाँ पर एक एक स्टेप आपकी क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आप इसे आसानी से समझ पाए होंगे। और अगर किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या चीज़ों पर, इसमें मेल कैंडिडेट सप्लाई नहीं करते हैं जो ऑनर्स बीएससी नर्सिंग है, बाकी में करते हैं। जो पीजी कोर्सेज इसके हैं उसमें बॉयज़ भी अप्लाई करते हैं, लेकिन जो यूजी कोर्सेज हैं उसमें अप्लाई बॉयज़ नहीं करते, ओनली फॉर गर्ल्स रहता है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये पसंद आएगा वीडियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेयर कर देंगे, लाइक भी करेंगे और हमें बताएंगे कि आपके लिए कितना यूज़फुल रहा और आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, इस पर भी आप टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय।